रबड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध की जरूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 लीटर दूध लिया है और आग पर चढ़ा दिया है। लोहे की कढ़ाई ली है मैंने। रबड़ी बनाने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह ध्यान रखना है कि दूध को किस तरह से पकाया जाए, खौलाया जाए और धीरे धीरे गाढ़ा कर दिया जाए कि उसमें मलाई भी न पड़ने पाए और कहीं भी लम्प्स भी न बनने पाए। मेरा दूध पक रहा है और ये बॉयल होने लगा है, और अब मुझे इसमें करछी चलाकर इसे उबलने से रोकना है। ओ, फिर भी नीचे गिर गया। माय गॉड, मुझे और ध्यान रखना होगा कहीं भी दूध नीचे न गिरने पाए, और लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें मलाई भी न बनने पाए। रबड़ी बनाने के लिए अच्छा होगा कि गाय की जगह भैंस के दूध का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने के कारण रबड़ी जल्दी और अच्छी बनती है। खौलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, लगातार हमें चलाते रहना है और खौलाते रहना है। धीरे धीरे दूध गाढ़ा होने लगेगा। देखिए, मेरा दूध कुछ कम हो गया है, यानी कि गाढ़ा हो रहा है। इस समय मैंने इसमें शुगर कैंडी डाल दी है, यानी मिश्री। आप चाहें तो मिश्री की जगह चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिश्री का स्वाद कुछ ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, इसलिए मैंने मिश्री का इस्तेमाल किया है। धीरे धीरे मिश्री इसमें घुल जाएगी और हमारे दूध को मीठा कर देगी। दूध को उबलने देना है, और दूध तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए दूध बहुत जरूरी है, और साथ ही बड़ों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है दूध, और खास तौर पे बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में उन्हें कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है, क्योंकि इसमें सारे ही पोषक तत्व मौजूद होते हैं। एक ग्लास दूध दिन में रोज लिया जाए तो शरीर में कभी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। दूध खौल रहा है, लगातार चलाते रहना है। हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है दोस्तों। किनारे किनारे जो दूध लगने लगेगा उसे हमें करछी से इस तरह निकाल के और बीच में डालते जाना है, वरना किनारे लगे हुए दूध, जैसे जैसे दूध गाढ़ा होकर कम होगा, किनारे वाला दूध चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो किनारे लपट रहा है उसे आप करछी से निकालते और बीच में डालते जाएं, और लगातार करछी से आप चलाते रहें, क्योंकि दूध जलकर लगभग आधा या उससे भी कम हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए दूध और भी कम हो गया है, 1/3 लगभग हो गया है मेरे ख्याल से। दूध का रंग अब कुछ क्रीम कलर का होने लगा है, और इसी समय आप चाहें तो इसमें खुशबू के लिए हरी इलायची कूटकर डाल दें और साथ ही गुलाब जल डाल दें। गुलाब जल ही है जो आपको बहुत ही स्वादिष्ट खुशबूदार रबड़ी देता है। और हाँ, आप चाहें तो रंग के लिए केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार चलाते रहेंगे, जितना गाढ़ा हो जाएगा उतना ही अधिक आपको चलाते रहने की जरूरत पड़ेगी, ताकि कहीं भी दूध जलने ना पाए। तनिक भी जल गया तो पूरी रबड़ी जले हुए दूध की तरह महक उठेगी, इसलिए कहीं भी जलने नहीं देना है। और जैसे जैसे दूध अधिक गाढ़ा होता जाए, वैसे वैसे आप इसे चलाने की प्रक्रिया को और अधिक करते जाएंगी। ये देखिए, मैं लगातार चला रही हूँ और लगातार हमारा दूध और अधिक गाढ़ा होता चला जा रहा है। रोज दूध पीते पीते बच्चे बोर हो जाते हैं और इनकार करने लगते हैं, तो फिर ऐसे में समस्या आती है कि इनके शरीर में दूध पहुंचाया कैसे जाए। ऐसी स्थिति में रबड़ी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। बच्चे रबड़ी बहुत ही प्रेम से खा लेते हैं, उनका स्वाद भी बदल जाता है और दूध भी उनके शरीर में पहुँच जाता है। और हाँ, व्रत में भी आप रबड़ी का इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारी रबड़ी तैयार है, मैं आपको कटोरी में निकाल कर दिखा रही हूँ थोड़ा सा सजाकर। ये देखिए, हमारी रबड़ी क्रीम कलर की हो गई है। हल्का सा जो ब्राउनिश दिख रहा है, मैंने हरी इलायची कूट कर डाली हुई है। अब मैं इसमें ऊपर से केसर डाल रही हूँ। इसे गार्निश करने के लिए मैंने ऊपर से केसर और कुछ कटे हुए मेवे डाले हैं। हमारी रबड़ी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।